अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने दिल्ली की सियासत में उबाल ला दिया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। गिरफ्तारी के विरोध में आपका आंदोलन उग्र होता जा रहा है। इस मुद्दे पर सियासत भी परवान चढ़ने लगी है। एक के बाद एक नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। फेमस भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर भी अब इसमें कूद पड़ी है। नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर अपने ही अंदाज में कटाक्ष कर दिया और लिखा, इन्होंने अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अति उत्साह में पहले ही करवा दी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का दांव इन्हें उल्टा पड़ गया और इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले में ये खुद फंसे हुए हैं। अब चुनाव जीतने के लिए ये चीन या पाकिस्तान से युद्ध करेंगे या फिर देश भर में सांप्रदायिक दंगे करवाएंगे, सावधान रहना है। यूपी में काबा वाली सिंगर की केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ये कोई पहली प्रतिक्रिया नहीं है। इससे पहले भी वो एक पोस्ट कर चुकी हैं जिसमें उन्होंने कहा था, गिरफ्तार केजरीवाल हुए हैं लेकिन फंस बीजेपी गई है। दिल्ली की जनता जान चुकी है कि गिरफ्तारी की असल वजह तो चुनाव है। चुनावों में इसका खामियाजा कौन भुगतेगा ये सभी जान रहे हैं। बता दें कि दिल्ली के सीएम को 21 मार्च के दिन शाम को गिरफ्तार किया गया था। ये कार्यवाही शराब घोटाले के मामले में की गई है। फिर कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें 28 मार्च तक ईडी की रिमांड में भेज दिया गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप नेता और कार्यकर्ता बेहद गुस्से में हैं। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ आंदोलन उग्र करने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली है। दूसरी तरफ विपक्ष को भी केजरीवाल के बहाने बीजेपी को घेरने का एक और मौका मिल गया है।